इंडिया की 50 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। वेल, आपको ये पता चलेगा फेमिना के नए एडिशन से, जिसे कटरीना कैफ ने रिसेंटली लॉन्च किया। इन 50 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन की लिस्ट में कटरीना कैफ के साथ शामिल थी प्राची देसाई, अनुष्का शर्मा और अनुष्का दांडेकर भी। मेंशन माय नेम टू एवरीबॉडी, माय नेम इज अनुषा दांडेकर, नेम इज अनुषा दांडेकर, नेम इज अनुषा दांडेकर। ये खिताब मिलने के बावजूद कटरीना को किसी ने उनकी खूबसूरती के बारे में पूछ लिया। एक्चुअली कोई लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो कभी ना कभी अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस हो ही जाती है। अमिताभ बच्चन ने मराठी म्यूजिक डायरेक्टर अजय अतुल की वेबसाइट लॉन्च की, जहां उन्होंने अपने मराठी फिल्म से जुड़े होने की बात की। हमारे मेकअप मैन है दीपक सावंत, उनका नाम है, मराठी फिल्म बनाई थी, उसमें जय और हमने दोनों काम किया। इस लंच में हमें बिग बी के साथ महेश मांजरेकर और सचिन पिलगांवकर भी नजर आए। रिसेंटली अरबाज खान एक कॉस्मेटिक स्टोर के इनॉग्रेशन में अकेले पहुंचे। आपको नहीं लगता अरबाज कि आपके बजाय इस इनॉग्रेशन में आपकी बीवी मलाइका को होना चाहिए था? She is not well, that's the reason she's not here. चलिए ये अच्छा है, अब मलाइका के लिए आप शॉपिंग करेंगे। अरे अभी मलाइका आएगी खुद अपने हिसाब से, यहाँ पर देख के जाएगी क्या उसको पसंद आता है। वैसे अरबाज खान कॉस्मेटिक की शॉप में खड़े होकर कुछ ये कह रहे थे। I generally like everybody without makeup, whether it is Malaika or any woman. I think women look much better with very little makeup, maybe सिर्फ आँखों में काज या हल्का सा ग्लॉस लिपस्टिक, जनरली आई लाइक दैट। हाउ कॉन्ट्रडिक्टरी अरबाज। एनीवेज, इनका कहना कुछ भी हो मगर ये खुद शायद मेकअप अप्लाई करना पसंद करते हैं, और इसका सबूत भी है हमारे पास। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।